हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी वैकेंसी को कैसे देखें, उसके एलिजिबिलिटीज वगैरह क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, उसका पेमेंट कितना मांगता है, कौन से कैटेगरी में कितने छूट है, SC ST में कितना लगते हैं, OBC वगैरह में कितना लगते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारा पड़ोसी या फिर हमारा फ्रेंड किसी फॉर्म को अप्लाई कर देता है और उसका जॉब भी लग जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि उसे पता कैसे चला कि ये चीज़ फॉर्म आया है और वो भर भी लिया और अपना जॉब पा भी लिया। अधिक हमारे दोस्तों बेरोजगार ऐसे होते इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे किसी फॉर्म को फिलअप नहीं करवा पाते हैं, किसी फॉर्म को भरवा नहीं पाते हैं, जिससे उनकी जॉब वगैरह नहीं लगती है, वे इधर उधर मजदूरी करके अपना पेट चलाते हैं, बाद में बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी को सोचकर मैं सोचा कि एक वीडियोस बना दूँ इसी टॉपिक पे, जिससे कि जो भी हमारे दोस्त बेरोजगार हैं वे भी फॉर्म को भर के अपना लाइफ बना सके और अपना सपना पूरा कर सके। तो दोस्तों, चलिए हम आपको आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सरकारी वैकेंसीयों को चेक कर सकते हैं और उसमें जॉब कैसे आप उसमें जॉब पा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा होम पेज है। अब यहाँ से मैं देख सकते हैं, मैं यहाँ अपने लैपटॉप पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसके वजह से। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर गूगल खोला। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। देखिए, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है अभी, स्किप नहीं कीजिए इस वीडियो को। अगर आप पूरा देख लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सरकारी वैकेंसी को चेक कर सकते हो आसानी से। मुझे पूरी उम्मीद है अपने देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा PGCIL डिप्लोमा के लिए आया है ट्रेनिंग। देख सकते हैं, मैं इसे ऑन करता हूँ। देख सकते हैं, ये हमारा दिखा रहा है PGCIL NR दिल्ली डिप्लोमा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। देखिए, इसमें हमारे जो हमारे सरकारी वैकेंसी होती है वो बहुत होती है, लेकिन हमारे दोस्त लोग इसलिए इसको नहीं भर पाते हैं क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी इतना हाई होता है कि हम उसके योग्य नहीं होते हैं, जिसके कारण से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारा BTEC डिप्लोमा वगैरह यही सब टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स वगैरह यही मांगता है, जिसके वजह से हम उस फॉर्म को फिलअप करने के एलिजिबल नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे जो भी दोस्त हैं वो भी सोचते हैं कि इसमें पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देख सकते हैं, ये हमारा दिखा रहा है इम्पोर्टेंट डेट्स, अप्लीकेशन बिगिन एंड जब से स्टार्ट हुआ है 24/5 यानी 24 मई 2021 को स्टार्ट हुआ है और यह हमारा लास्ट डेट है 15 जून है। इसमें दिखा रहा है अप्लीकेशन फ़ी के लिए जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये पेमेंट है और SC ST EXC यानी अन्य किसी भी जाति के लिए हमारा 0 पेमेंट, यानी 1 रुपये भी नहीं काटे जाएंगे और पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ओनली। हम लोग यानी इसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा दिया गया है एज लिमिट एज ऑन 15/6/2021, यानी हमारा जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अप्लीकेशन बिगिनिंग जब से स्टार्ट हो रहा है 15 जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी लास्ट डेट है ये वाला। देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप लोग इसमें लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 15 जून 2021 तक ये हमारा फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है जिसका मिनिमम कितना भी एज हो, 15 साल 16 साल कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम उसका 27 साल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, अगर आपका इससे भी ज़्यादा अगर एज है तो आप इसे जाकर नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, एलिजिबिलिटी दिया है हमारा, ये पोस्ट नेम देख सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का IUR के लिए 11 है, OBC के लिए 7 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 6 है और ST के लिए 2 है। टोटल हमारा 30 को पोस्ट है इसके लिए है।
डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसके लिए हमारा है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड विद मिनिमम 70% मार्क्स, मतलब डिप्लोमा हमारा इंजीनियरिंग में होना चाहिए जिसमें हमारा 70% से हम पास हो, 70% से। डिप्लोमा ट्रेनिंग के सिविल के लिए हमारा है, इलेक्ट्रिकल के लिए ये है, और सिविल के लिए ये हमारा है। इसमें यूआर के लिए 2 सीट है और ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और एससी के लिए 1 सीट है, और एसटी के लिए सीट 1 भी नहीं है इसमें। इसमें दिखा रहा है मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें दिल्ली एग्जाम सेंटर हमारा जाएगा दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, देहरादून, उत्तराखंड भी जा सकता है। देहरादून में ही उत्तराखंड पड़ता है और जयपुर में ही हमारा राजस्थान पड़ता है, देख सकते हैं। क्वेश्चन में इसलिए दिया है, देख सकते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म, मतलब फॉर्म को कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ये हमारा बताया गया है, देख सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आईडी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद लॉगिन में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर चाहे तो यहाँ से हम अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा, इसी टाइप के हमारे बहुत से वैकेंसियाँ आती है, लेकिन हमारे दोस्तों ये सब बहुत ऐसे दोस्त है जो उसको बराबर चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म निकला, कौन कौन सा नहीं निकला, इसके वजह से नहीं भर पाते हैं। और कुछ व्यक्ति हमारे दोस्तों को तो पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म्स को कैसे देखे जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, मैं इसमें चाहूँ तो किसी भी चीज़ को देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमारा जो है लेटेस्ट जॉब, ये हमारा जो सबसे मतलब फिलहाल अभी भरे जा रहे हैं ये सब फॉर्म है। कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, छत्तीसगढ़ क्लास 10th रिजल्ट है, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया हुआ है, यूपी टीजीटी 2021 अप्लाई ऑनलाइन, देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग घर बैठे चाहें तो सभी चीज़ों को जान सकते हैं। UPSSSCOTR रजिस्ट्रेशन हमारा है और UPPGT 2021 अप्लाई ऑनलाइन है। बिहार पुलिस SI का फॉर्म आया हुआ है। UPSC CPF AC 2021 अप्लाई ऑनलाइन इसका है। SBI क्लर्क का आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये सबसे मस्ट में मतलब भरे जा रहे हैं फॉर्म है। ये हमारा दिखा रहा है लेटेस्ट जॉब, देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा लेटेस्ट जॉब है और ये हमारा है एडमिट कार्ड, मतलब जो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसी में आएगा, देख सकते हैं आप लोग। इसमें आप चाहें तो अपना जाकर फॉर्म देख सकते हैं आप कौन से भरे थे। SBI के जैसे इसका भरे हैं क्लर्क का, तो आप इस पे क्लिक करके अपना चाहें तो एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, या फिर BPSC का भरे हैं 66 मेंस रिस्पोंडेड नोटिस, इसका भी चाहें तो आप जाकर निकाल सकते हैं। UPSC का भर है तो उसका भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इतना हमारे पास अभी एडमिट कार्ड्स अवेलेबल है, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा रिजल्ट है, जो व्यक्ति जो हमारे दोस्त हैं एग्जाम वगैरह दे दिए हैं उनका एडमिट कार्ड वगैरह सब आया था, रिजल्ट अच्छे से अपना एग्जाम दे चुके हैं, वे अपने रिजल्ट की मतलब इंतजार कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति इसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ का अभी तक रिजल्ट आया हुआ है और क्या क्या चीज़ का नहीं आया है। ये हमारा आंसर की है, मतलब इससे पहले हमने एग्जाम वगैरह दे दिया लेकिन उसका आंसर एक भी हमें पता नहीं है, मतलब मान लीजिए कुछ हमसे गलती हो गई, मान लीजिए कि 30 हमारा ऑब्जेक्टिव था जिसको मैंने 25-26 तो मार दिए, 10 हमें समझ में नहीं आ रहा था। आप चाहे तो फॉर्म को ले सकते हैं और उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं कि इसका की क्या होगा, मतलब उसका आंसर कौन सा होगा, आप लोग चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस एक कलर के लिए, SBI कलर के लिए सिलेबस कौन कौन सा पढ़ा जाए कि हमारी जॉब लग जाएगी। एडमिशन्स ये हमारा प्रेजेंट में लिए जा रहे हैं, इसके ये अपडेट डाला गया है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारा कोई अपने से बनाया गया कोई वेबसाइट नहीं है, ये लाइव दिखाता है, सरकारी रिजल्ट इसी का नाम है, लाइव दिखाता है। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दिया गया है, या हम चाहें तो पैन कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोडिंग कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अपने लेटेस्ट जॉब पे। ये हमारा SSC GDS का एक फॉर्म आया हुआ है, देख सकते हैं ये, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार है। SSC GDS कांस्टेबल, देख सकते हैं इंडिया पोस्ट SSC GDS ये हमारा है, अभी यह पोस्टपोनड दिखा रहा है, यानी अभी हमारा ये फील नहीं हो रहा है। और इसमें है बिहार, ये हमारा बिहार पोस्ट GDS बिहार या महाराष्ट्र ऑनलाइन फॉर्म, ये हमारा एक फॉर्म है, देख सकते हैं आप लोग। मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार है, बहुत ही अच्छा जॉब है,
देख सकते हैं आप लोग, बिहार और महाराष्ट्र के लिए ये हमारा एक लॉन्च किया गया पोस्ट है। इसमें चाहे तो आप देख सकते हैं, ये पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट के लिए है, दिल्ली ग्रामीण डाक सेवा GDS रिक्वायरमेंट 2021, और यहाँ पर दिखा रहा है साइकिल थ्री बिहार एंड महाराष्ट्र शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। अधिक जान आपको मतलब शॉर्ट भी डिटेल्स चाहिए तो नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स को अप्लीकेशन बिगिन इन 27/4/2021 से हमारा फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, लास्ट डेट इसका है 26 तक, देख सकते हैं 26 मई तक है पे एग्जाम फी। लास्ट डेट हमारा 26/5, यानी 26 मई तक हम चाहे तो इसको मतलब एग्जाम फी पेमेंट कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट रिजल्ट नोटिफाइड सून मतलब आने वाला है। ये हमारा जनरल के लिए ओबीसी, सॉरी जनरल या ओबीसी के लिए यहाँ पर दिखा रहा है हमें अप्लीकेशन फी में जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये पेमेंट है, और SC ST के लिए 1 रुपये पेमेंट नहीं है, और यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल 0 रुपये, यानी 1 रुपये भी नहीं है। अगर कोई फीमेल इस फॉर्म को भरती है तो उसे 1 रुपये भी नहीं काटे जाएंगे, उसका पेमेंट 1 रुपये भी नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हैं पे द एग्जाम फी थ्रू इंडिया पोस्ट ई चालान सबमिट एट नियरेस्ट हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस। आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी या इसका पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंडिया पोस्ट के माध्यम से या चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं एज लिमिट एज ऑन 27/4/2021, यानी मतलब लास्ट डेट तक हमारा ये 18 साल मिनिमम एज है। जिस व्यक्ति का अगर 18 साल एज है वो आदमी भर सकता है, और मैक्सिमम ये हमारा 40 साल का है, 40 साल मैक्सिमम किसी का एज है वो भी चाहे तो इस फॉर्म को भर सकता है। वैकेंसी डिटेल्स टोटल 4,367 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लूँगा, आप लोग चाहे तो वेबसाइट से जाकर चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एलिजिबिलिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो फॉर्म को फिलअप करवा देते हैं, पेमेंट वगैरह सब कर देते हैं, एलिजिबिलिटी उनको पता नहीं होती है, या फिर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। देख सकते हैं क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ये हमारा 12th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो व्यक्ति 10वीं पास की हो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ, वही व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमारे मैट्रिक के एग्जाम में मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों रहते हैं, भले ही इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आप लोग मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हाउ टू फिल फॉर्म, ये सब देख सकते हैं। ये सब अगर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत समय लग सकता है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इस सभी को पढ़कर, नोटिफिकेशन बिना पढ़े आप लोग फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, और इसका एलिजिबिलिटी जरूर चेक करिए कि कौन कौन सा व्यक्ति, और इसमें अप्लाई हमको अपलोड क्या क्या करना पड़ेगा, आप इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करते हैं उस समय ये हमको बताता है। देख सकते हैं बिहार BTSC मेडिकल ऑफिसर सेंटर, ये हमारा एक फॉर्म आया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। इसी को आप चाहे तो घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। BTSC मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट के लिए आया हुआ है, देख सकते हैं ये पोस्ट डेट, ये हमारा है अपडेट इसी टाइम को किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये अप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी EWS के लिए 200 रुपये है, और SC ST के लिए 50 रुपये है। अप्लीकेशन बिगिन 4/5/2021 से यह हमारा शुरू हुआ है, और लास्ट अप्लाई डेट है 24/5/2021 को, यानी आज ये अप्लाई, ये जो हमारा है आज ये एक्सपायर हो जाएगा। देख सकते हैं आज हम 12 बजे तक चाहे तो फॉर्म को, 12 बजे रात तक चाहे तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज हमारा नहीं है, और मैक्सिमम एज है 37 साल, और मैक्सिमम एज है उससे मैक्सिमम फीमेल के लिए है 40 साल, और मेल के लिए मैक्सिमल एज है 37 साल। देख सकते हैं 6,338 पोस्ट है हमारा एलिजिबिलिटी। MBBS डिग्री मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। अगर आपके पास MBBS की डिग्री है तो चाहे तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले भी बता चुका था आपको कि वैकेंसी तो बहुत रहती है, लेकिन एलिजिबिलिटी के कारण बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अब मान लीजिए जो व्यक्ति MBBS किए हुए हैं इस फॉर्म को भरना नहीं चाहेंगे, वे चाहेंगे कि हम अपना खुद का एक डॉक्टरी खोलें। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा फॉर्म वगैरह है, इसमें आप चाहे तो कोई भी चेक कर सकते हैं और आसानी से फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियोस में।